गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू ज्योग्राफी चैप्टर 6, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? प्लांट्स नीड मॉइस्चर एंड हीट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट्स होते हैं जो बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस से खुद ग्रो होते हैं। यहाँ पर मेनली तीन काइंड के वेजिटेशन है, टुंड्रा, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। कैनेडा 7 नेचुरल वेजिटेशन के रीजन्स में डिवाइडेड है। देन इन सिंपली, नेचुरल वेजिटेशन वो एरिया होता है जहाँ पर सारे प्लांट्स बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस से खुद ही ग्रो होते हैं। उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। नेचुरल वेजिटेशन कितने टाइप के होते हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्टिक शॉप्स। फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड आर द टू टाइप ऑफ ग्रासलैंड। डेजर्टिक स्क्रब्स में ट्रॉपिकल डेजर्ट्स एंड टुंड्रा रीजन्स को काउंट किया जाता है। ये कुछ टाइप्स हैं किसके? नेचुरल वेजिटेशन के। 3 मेन टाइप्स आर देयर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्टिक स्क्रब्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मेनली हैवी रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं। एवरग्रीन का मतलब ही होता है कि जो पूरे साल, पूरे ईयर हमेशा ग्रीन रहे, और यहाँ पे रेन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर द वेजिटेशन हेयर इज वेरी डेंस। डेंस का मतलब होता है घना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर ट्रीज पूरे साल ग्रीन रहते हैं। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर एज हाई एज 40 to 60 meters। यहाँ के फॉरेस्ट की हाइट 40 to 60 meters होती है, और थिक ग्रोथ के कारण सन रेज भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। इसमें हार्ड वुड इजिली फाइंड की जाती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट बोला जाता है। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स। इस फॉरेस्ट के ट्रीज अपनी लीव्स शेड कर देते हैं, और इस फॉरेस्ट के ट्रीज की हाइट 30 to 40 meters होती है। ये ट्रीज जो होते हैं, इन फॉरेस्ट के ट्रीज यूजफुल वुड प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक के लिए। लाइक फर्नीचर बनाने के लिए जो हम वुड को यूज़ करते हैं, वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से ही लाई जाती है। ऐसे फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर है वो 20 to 40 degrees Celsius तक रहता है, और रेनफॉल अगर मेजरमेंट देखा जाए तो 70 to 200 centimeters। यहाँ के ट्रीज टीक, शीशम एंड भेल आर कॉमन ट्रीज दैट फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेचर जो है यहाँ का वो -30 degrees Celsius to 30 degrees Celsius तक रहता है। और अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 10 degrees Celsius to 50 degrees Fahrenheit। प्रेसिपिटेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड रेंजेस फ्रॉम 75 to 150 centimeters। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन वो होता है जो मेडिटेरेनियन सी के बगल में पाया जाए, लाइक एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप आदि एग्जाम्पल ऑफ दैट प्लेसेस। यहाँ का वेदर कैसा रहता है? बहुत स्कॉचिंग समर रहती है, और विंटर के टाइम पर रेन रहती है। मीन्स स्कॉचिंग समर एंड रेनी विंटर्स यहाँ का वेजिटेशन है, इसलिए इसको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के नाम से जाना जाता है। मेडिटेरेनियन सी के नाम पे ही यहाँ के वेजिटेशन का नाम रखा गया। एंड द प्लेसेस आर यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। ग्रासलैंड्स वो एरिया होते हैं जो मॉडरेट रेन के रीजन में ग्रो होते हैं। ग्रासलैंड्स कौन से एरिया होते हैं जो मॉडरेट रेन्स के रीजन में ग्रो होते हैं? ग्रासलैंड के टाइप्स कौन कौन से हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड आर द टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड दो टाइप के होते हैं, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड। व्हाट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वो होते हैं जहाँ पे शॉर्ट रेन ही हो बट ड्राई रीजन हो। ऐसे प्लेसेस जहाँ पे रेन कम हो बट ड्राई प्लेसेस हो, वहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ये इन प्लेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ व्हाट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स? टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन से होते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड वो एरिया होते हैं जो बहुत बड़े प्लेन सरफेस से कवर्ड हों। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया आर द प्लेसेस वेयर टेम्परेट ग्रासलैंड्स फाउंड।